पूरी गर्मियों में इसके जो फूल हैं वो ऐसे ही बने रहते हैं। तो उन्होंने 100 रुपीज का एक बताया था, लेकिन 50 का इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एक पूरी तरह से बॉल बन जाता है। और साथ में मैंने ये ग्रो बैग्स मंगाए थे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं आप लोगों के साथ समर प्लांट की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। इनके प्राइजेस मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए हैं। सबसे पहले महंगा प्लांट, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होती जाएगी। और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं सारे प्लांट्स। सबसे पहले देखिए ये ब्यूटीफुल सी एलामेंडा वाइन, ये मुझे 100 रुपीज़ की मिली है। एलामेंडा का बुश भी आता है, लेकिन ये एक वाइन है। और देखिए कितनी अच्छी खासी इसकी हाइट है, साथ में फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश मिले हैं इतनी तेज़ गर्मी में भी। इस प्लांट को हमें फुल सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ आधे दिन की सनलाइट आए, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और फुल सनलाइट में अगर मैं इसको रखूँगी तो उसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। अब नेक्स्ट है ये बोगनवेला का प्लांट। ये प्लांट मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। मेरे पास और भी हैं, लेकिन ये वाइट कलर का है। अभी इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने जिस भी नर्सरी वाले से लिया है मैंने उनको कहा था कि अगर ये वाइट कलर का नहीं निकला तो मैं रिटर्न करके चली जाऊँगी। देखिए इसकी भी हेल्थ अच्छी खासी है, और अभी गर्मियाँ हैं तो ये बहुत जल्दी से अपनी हाइट पकड़ लेगा, जल्दी से ग्रोथ कर लेगा। इस प्लांट को मैं फुल सनलाइट में रखूंगी, क्योंकि बोगनवेला का प्लांट फुल सनलाइट में ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसके अंदर फ्लावरिंग भी कम होगी और इसकी ग्रोथ भी कम होगी। सिर्फ लीफी ग्रोथ आपको दिखेगी, फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। अब ये प्लांट है ब्लू डिकोमा का प्लांट। ये प्लांट मुझे 80 रुपीज़ का एक मिला है, और इसकी हाइट मुझे बहुत अच्छी खासी लगी, ये देखिए। और इसकी जो पॉलीथिन है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसकी जो रूट की ग्रोथ है वो कितनी अच्छी खासी है। इस प्लांट को मैंने आते ही मिट्टी के ऊपर रख दिया था, गीली मिट्टी के ऊपर, ताकि ये प्लांट ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आ रही हैं और अगर हम इसे गर्म ज़मीन पर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने इसे मिट्टी के ऊपर रख दिया था। आप भी अगर गर्मियों में लेकर आते हैं तो ऐसे ही करें। ये प्लांट हमारे यहाँ पर गार्डन्स में लगा होता है, इसका मतलब ये है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी है। गर्मियों में अगर आपको प्लांट्स लाने हैं तो हार्डी प्लांट्स लाएं। अगर आप सेंसिटिव प्लांट्स लेकर आएंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और गर्मियों में जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उनको भी खतरा होता है, तो सेंसिटिव प्लांट्स तो बहुत मुश्किल से चलेंगे। रुकिए रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको शॉपिंग वीडियोस पसंद हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है यूफोरबिया का प्लांट। ये प्लांट भी मुझे 80 रुपीज़ का एक मिला है। वैसे तो मुझे रेड कलर चाहिए था, लेकिन रेड कलर उनके पास नहीं था, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये कलर भी बहुत अच्छा है। ये प्लांट गर्मियों में चलने वाला ही है, और पूरी गर्मियों में इसके जो फूल हैं वो ऐसे ही बने रहते हैं। ये प्लांट भी आपको गार्डन्स में बहुत मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। अब आप देखिए ये छोटा सा मधुमालती का प्लांट, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए था। हमारे यहाँ पर ये बहुत महंगा मिलता है। ये मुझे एक तो उन्होंने थोड़ा बड़ा वाला दिखाया था, वो 120 का था, और ये वाला 60 रुपीज़ का था, तो मैंने इसलिए छोटा ले लिया, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और एक महीने में ही ये 120 की हाइट पकड़ लेगा। ये देखिए इसकी हेल्थ अच्छी खासी है, फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगी जब इसे मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। ये प्लांट आप अगर ज़मीन में लगाते हैं तो आपकी छत तक भी पहुँच जाएगा, इतना प्यारा प्लांट है ये। इसके अंदर बहुत सुंदर फूल आते हैं, फुल सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब है नेक्स्ट थूजा का प्लांट। ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ का एक मिला है। ये प्लांट उन्होंने 100 रुपीज़ का एक बताया था, लेकिन 50 का इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पॉट में लगा हुआ था और पॉट में से ये निकल कर आ गया था, तो उन्होंने मुझे पॉलीथिन में दे दिया और पॉलीथिन में इसकी प्राइस 50 रुपीज़ लगा दी। ये भी बहुत हेल्दी प्लांट है और फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, ये भी आपको गार्डन्स में दिख जाएगा। इस बार आप देख रहे होंगे मैं सारे हार्डी प्लांट्स ही लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी तेज़ हैं कि हल्के प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं चलने वाले। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपके जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हार्डी प्लांट्स ही लेकर आए आप।
अब मैं दो पोर्चुलाका के प्लांट्स लेकर आई हूँ। ये मुझे 20 रुपीज़ का एक मिला है, एक येलो और एक ये रेड कलर। अब ये खुला नहीं है, हो सकता है ऑरेंज भी हो, बट ये दोनों ही प्लांट्स अच्छे खासे हैं। इनकी कटिंग्स भी लगा सकती हूँ मैं, और फुल सनलाइट में रखूँगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मेरे सबसे सस्ते प्लांट्स हैं ये कोचिया के प्लांट्स। ये मुझे 20 रुपीज़ का एक मिला है, और आप देखिए कितना सुंदर प्लांट है। आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं। ये मैं 9 इंचेस के पॉट में लगाऊंगी, और जैसे कि गर्मियों का प्लांट है तो आराम से गर्मियों में ये रह लेगा, पर फुल सनलाइट में ना रखें। ये देखिए, ये एक पूरी तरह से बॉल बन जाता है, ग्रीन बॉल भी बोल सकते हैं आप इसे। अब आप देखिए, मैंने ये स्टैंड्स मंगाए थे ऑनलाइन, ये मुझे 426 के 12 पड़े हैं, यानी कि 36 to 37 एक का प्राइस पड़ा है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही हल्का सा है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप इस पर भारी से भारी प्लांट भी रखेंगे ना तो भी आराम से रह लेगा। मैंने इसके ऊपर रख के देखा अपना बड़े से बड़ा एरिका पाम, वो आराम से इसके ऊपर आ गया। और ये मैंने बालकनी के लिए लिया है, क्योंकि वहाँ पर क्लीनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है विदाउट स्टैंड्स। आप भी इस तरह से अगर स्टैंड्स मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं अपने बालकनी या फिर टेरेस गार्डन के लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और साथ में मैंने ये ग्रो बैग्स मंगाए थे। ये ग्रो बैग्स मैंने 8 ग्रो बैग्स मंगाए हैं, इनकी प्राइस मुझे पड़ी है 636। इसके अंदर 5 12 इंचेस के ग्रो बैग हैं, ये देखिए ये 12 इंचेस का है, और 3 15 इंचेस का है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये 15 इंचेस का है। ये मैंने अपनी जो भी बेले हैं सब्जियों की उनके लिए मंगाए हैं बड़े बड़े, ये देखिए ये 15 इंचेस का है और वो 12 इंचेस का है। दोनों की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पहले भी मंगा रखे हैं इसलिए मुझे पता है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो जो 12 इंचेस के हैं उसमें मैं अपनी भिंडी के प्लांट्स लगा सकती हूँ या बैंगन के प्लांट्स लगा सकती हूँ, और ये बड़े वाले बेलों के लिए अच्छे रहते हैं। अब बेले लगाएंगे तो बेलों को चढ़ाने के लिए कुछ और भी चाहिए, तो मैंने ये नेट ली। ये 20 रुपये की 1 मीटर है, 20 रुपीज़ की 1 मीटर, ये 2 मीटर में लेकर आई हूँ। ये प्लास्टिक की है, मुझे कॉटन की चाहिए थी, कॉटन की भी मिलती है मार्केट में, बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये मैं ऑफलाइन लेकर आई हूँ, ये ऑनलाइन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।